बिगिनिंग पॉइंट ऑफ एट नंबर थ्री एंड नंबर फाइव है, तो वो या थ्री से डिवाइड होता है या फाइव से डिवाइड होता है, लेकिन दोनों से डिवाइड नहीं होता। मतलब क्या, मतलब पंद्रह से डिवाइड नहीं होता। यानी अगर मैं कहता हूं कि मैंने ये मेरा नंबर वन है और ये मेरा नंबर टू है, ओके, अगर मैं कहता हूं मेरी रेंज है जीरो, सॉरी जीरो बताते हैं, लेट्स से वन से लेकर ट्वेंटी का, ठीक है। सवाल ये है कि आपने समेशन निकाली है, लेकिन समेशन निकाली है सिर्फ उन नंबर्स की जो कि नंबर वन से डिवाइड हो या नंबर से टू से डिवाइड हो, लेकिन दोनों से डिवाइड नहीं होना चाहिए। नहीं प्राइम नहीं है, यानी एसेंशियली आपने जो समेशन निकालना है वो किसका निकालना है, क्या वन इसमें ऐड होगा? सर क्वेश्चन क्या है कि आपका, आपने उन नंबर्स की समेशन निकाली है जिसमें उन नंबर्स को ऐड करना है आपने जो एन वन से डिवाइड होता या एन टू से डिवाइड होता, लेकिन दोनों से डिवाइड ना हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल वन क्या इसमें ऐड होगा? क्यों? क्योंकि ना वो, नहीं नहीं नहीं, ना वो थ्री से डिवाइड होता है ना वो फाइव से डिवाइड। यानी मैं ये कह सकता हूं या ये 120 भेजा या मैंने 3 भेजा या मैंने 5 भेजा, ठीक है। वन ऑब्वियसली नहीं इसमें ऐड होगा क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता। टू इसमें ऐड होगा, थ्री ऐड होगा, क्यों ऐड होगा? क्योंकि एन वन से डिवाइड होता है, एन टू से डिवाइड नहीं होता। व्हाट अबाउट फोर, फाइव होगा क्योंकि वो एन टू से डिवाइड होता। व्हाट अबाउट सिक्स, होगा क्योंकि वो थ्री से डिवाइड होता। सेवन, एट, नाइन, टेन, टेन होगा, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, नो, फाइव, क्योंकि वो दो से डिवाइड। व्हाट अबाउट सिक्सटीन, सिक्सटीन नहीं होगा, सेवनटीन नहीं होगा, एटीन होगा, नाइनटीन नहीं होगा, ट्वेंटी ट्वेंटी होगा, फाइव से होता है। तो आपने एक्चुअली, आपने एक्चुअली सिर्फ एक कंडीशन लिख दी है, एक मिनट जो कि रेंज वन से स्टार्ट होता है, ये मैं सिंटैक्स सही तरह नहीं लिख रहा, आप एक शीट भी लिखेंगे, और कहां तक जाता है जी, एन इज लेस देन और इक्वल टू आर टू तक, और क्या करना है जी, हमने एन को प्लस प्लस, और यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन ये चेक हो रहा है, यहाँ पे हम सम बना रहे हैं, सम को जीरो का लेस देन और इक्वल टू आर, ये इज इक्वल टू आर, ठीक है। और यहाँ पे चेक कर लग रहा है, इफ माई दिस नंबर जो कि सम में ऐड होना है, अगर ये नंबर डिवाइड होता है एन वन से, मैं जनरल लिख रहा हूँ, मैं थ्री लिख रहा हूँ, अगर वो एन वन से डिवाइड होता है या वो एन जो है वो एन टू से डिवाइड होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, कौन सी कंडीशन बताओ, के एन एन मॉड एन वन डबल इक्वल टू जीरो एंड एन मॉड एन टू डबल इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए। इसके एंड के बाद नॉट आ, यानी ये कंडीशन अगर ट्रू ना, ये उस केस में हमने क्या करना है, सम प्लस इक्वल टू, ओके, थिंक अबाउट इट, कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा खुद सोचेंगे तो पता लगेगा, जस्ट दिस, ओके। Okay, buddy.